कफूर है महेश को मार देता है, और महेश को मारने के पश्चात है वह काशीपुरम गांव है उसको छोड़ देता है, उसका प्रायश्चित करने के लिए कुछ वस्तुओं को और छोड़ देता है। ही लेफ्ट, उसने छोड़ दिया था, इज ड्रिंकिंग बाउल। ड्रिंकिंग बाउल का अर्थ है जो छागल होता है पानी पीने का, एक तरीके से आप पानी की बोतल कह सकते हो। ब्रास प्लेट, और एक प्लेट है ब्रास पीतल की, उसको छोड़ देता है टू पे करने के लिए द प्राइस ऑफ हिज पेनेंस। पेनेंस का मतलब है प्राश्चित, प्राश्चित कि प्राश्चित करने की लिए, और वह एक तो ड्रिंकिंग बाउल है और पीतल की एक प्लेट है टू पे द प्राइस ऑफ हिज पेनेंस, अपने प्राश्चित के लिए, प्राश्चित करने के लिए, और वह छोड़ देता है। अर्थात है कि काशीपुरम छोड़ने के पश्चात है इन दोनों चीजों को बेचकर, ड्रिंकिंग बाउल है, ब्रास प्लेट प्लेट है, इसको बेचकर है जो तारक रत्न पंडित है वो जो महेश है उसका क्रिया कर्म कर सकता है। देखो पेनेंस क्या है, प्रायश्चित किसे कहते हैं? देखो एन एक्ट, यह एक कार्य है, एक ऐसा कार्य है टू परफॉर्म, जो किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है टू वॉश अवे। वॉश अवे का मतलब है एक तरीके से है धोने के लिए या साफ करने के लिए, धोने के लिए, धोने के लिए। दिसिन अपराध, अपराध को धोने के लिए, अर्थात है अपराध से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। डन बाय वन कि एक व्यक्ति है अपराध से मुक्ति पाने के लिए और इस प्राश्चित को करता है। दिस एक्ट सोच, और यह कार्य है प्राश्चित हमें बतलाता है दैट वन इज सॉरी फॉर हिज मिस्टेक, कि एक व्यक्ति के द्वारा जो गलती की गई है उसके लिए वह सॉरी महसूस करता है। गफूर थॉट टू डू पेनेंस, और गफूर ने भी थॉट सोचा टू डू पेनेंस, प्रायश्चित करने के बारे में सोचा, बिकॉज क्योंकि ही किल्ड हिज महेश, हिज बुल, क्योंकि उसने अपने बैल को मार दिया था। तो देखो ही लेफ्ट हिज ड्रिंकिंग बाउल, उसने अपने पानी पीने का छागल था उसको छोड़ दिया, एक पीतल की प्लेट थी उसको छोड़ दिया टू पे द प्राइस ऑफ ए पेनेंस, प्राश्चित की कीमत का भुगतान करने के लिए, कि इन दोनों वस्तुओं को बेचकर है जो तारक रत्न है उसे जो बैल है उसका क्रिया कर्म कर सके। पेनेंस क्या है? एक ऐसा कार्य है परफॉर्म जो किया जाता है वॉश अपे, मुक्ति पाने के लिए, दी सिन, जो अपराध है डन बाई वन, किसी व्यक्ति के द्वारा जो अपराध किया गया है उससे मुक्ति पाने के लिए और किया जाता है। दिस एक्ट सोच, और यह कार्य और बतलाता है दैट वन इज सॉरी फॉर हिज मिस्टेक, एक व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास है। गफूर थॉट, और गफूर ने भी सोचा टू डू पेनेंस, और प्रायश्चित करने के बारे में सोचा, बिकॉज ही किल्ड हिज बुल, क्योंकि उसने अपने बैल को मार दिया था। देखो ही वॉज ए ट्रू, वह एक सच्चा ऑनेस्ट मैन ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए वह एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति था। एट द एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी के अंत में ही बिकेम डिसअपॉइंटेड, कैसा हो जाता है, निराश हो जाता है, लेफ्ट द विलेज, गांव को छोड़ देता है टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट, रोजगार प्राप्त करने के लिए, इन ए मिल, और एक मिल में रोजगार प्राप्त करने के लिए वह गांव को छोड़ देता है। और कहाँ चला जाता है? वो फुलवेरे चला जाता है। कहाँ चला जाता है? फुलवेरे चले जाता है वहां पर कार्य करने के लिए।